जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। ओके, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय माता दी। ओके, सो माय नेम इज विशाल एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोड मैप स्पेसिफिकली फॉर कमिंग फ्यू डेज एंड व्हाट इज द अपडेटेड चार्ट। सो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। आइए जुड़ जाइए एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन। एंड गाइस, बिफोर आई प्रोसीड एक हेड्स अप दे देता हूँ कि दोस्तों ट्रेनिंग जो है इस वीकेंड में स्केड्यूल्ड है, सैटरडे एंड संडे के लिए। सो ओनली 3 days आर लेफ्ट, लास्ट 3 days आर लेफ्ट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। यू विल बी एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर 3 months। ऑल राइट, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट टूडेज सेशन। सो हाउ मेनी पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट मार्केट्स बाय वॉचिंग अवर लाइव सेशन ऑन डेली बेसिस? क्या आपको इससे कोई मदद मिल रही है, कुछ हेल्प हो रहा है? लेट मी नो, कमेंट करके बताइए। एंड एज ऑफ नाउ ग्लोबल मार्केट्स पे एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो हमारा एक रिचुअल है, ट्रेडिशन है, कि हम पहले एक टॉप डाउन अप्रोच मेंटेन करते हैं मार्केट में, राइट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स टू इंटर मार्केट एनालिसिस एंड देन वी कम डाउन टू निफ्टी एंड अवर बैंक निफ्टी। तो ग्लोबल मार्केट्स में दोस्तों आप सब देख सकते हो, जैसा मैंने फोरकास्ट किया था कि US मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ हायर लेवल। दिस वॉज सेड ओवर हियर ऑन दिस डे इटसेल्फ, बट इसके बाद एक कोई न्यूज आया था जिसके बाद एक सेल ऑफ हो गया था। स्टिल आई मेंटेन माय व्यू दैट दिस सेलिंग कैंडल ऑफ 9th नवंबर, इट्स अ फेक सेलिंग कैंडल एंड टिल 3500 इज होल्डिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर राउंड ऑफ अप मूव टू कम इन द US मार्केट टुवर्ड्स 3720 एंड 3700, राइट? सो अगेन, वंस अगेन, ये एनालिसिस भी एब्सोल्युटली करेक्ट साबित हो रही है। नॉट ओनली दिस, अगर हम बाकी मार्केट्स को देखें, जैसे डैक्स को आप देखिए, मैंने संडे रात को जो वीकली एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं, दे मूव इन अ साइकिल, दे मूव इन अ रिदम, ओके? एंड यू नो, इट इज बेस्ड ऑन द मनी फ्लो, इट इज बेस्ड ऑन द फंड फ्लो। तो जब अगर फंड फ्लो रिस्क ऑन मोड में है तो आपका मार्केट कैसे गिर सकता है? एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी शॉर्टिंग दिस मार्केट, बट एवरीबॉडी इज मेकिंग लॉस। और जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, होपफुली आई बिलीव दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। सो डैक्स में भी आप देखिए, एक ब्रेकआउट जो है इसमें भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल, वेरी नाइस स्ट्रक्चर। एंड सेम गोज फॉर फुटसी 100, फ्रेंच मार्केट, एशियन मार्केट्स में आप देखिए निके जो है 2.5% ऊपर है, हैंगसेंग ऊपर है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स $50 के मार्क आ रहा है। सो एवरीथिंग इज मूविंग इन टैंडम, एवरीथिंग इज मूविंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन एंड एनालिसिस शेयर्ड विद यू वेल इन एडवांस। ओके, सो ये तो हो गया एज ऑफ नाउ, अभी का ये सिचुएशन है। नाउ लेट अस कम बैक टू निफ्टी, कि निफ्टी किस तरीके से, आज निफ्टी में क्या हुआ, हमने क्या किया और कल क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सो निफ्टी में दोस्तों, कल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि अगर किसी भी तरीके की गैप अप ओपनिंग होती है, इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग स्पेशली अबव प्रीवियस डे हाई, देन डू नॉट शॉर्ट दिस मार्केट। कितने लोगों को याद है ये बात? स्पेसिफिकली एडवांस में आपको बता दिया गया था कि अगर ये सिचुएशन होता है तो डू नॉट शॉर्ट दिस मार्केट टिल दैट गैप इज होल्डिंग अप, राइट? तो आपको एग्जाम की पेपर मैंने कल लीक कर दी थी, तो आपको एग्जाम में क्या आने वाला है ये कल ही पता चल गया था कि इस तरीके से जो है एक थका हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप कह सकते हो, इस तरीके से ये ब्रेकआउट होना था एंड अबाउट द गैप इट वॉज सपोज टू गो हायर। मैंने 2 टारगेट्स आपको दिए थे, 13,000 something 30 एंड देन 13,067 something आई हैड गिवन एंड बोथ द टारगेट्स वॉट डन। स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि ये आपको शॉर्ट नहीं करना है, और अगर आप शॉर्ट करोगे ये मार्केट आपको ट्रैप करेगा और ये ऊपर लेके जाएगा। जब तक ये गैप सस्टेन करता है तब तक इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। एंड इस तरीके के बाजार को प्ले करने के लिए आपको ये एक नॉलेज होना चाहिए, एंड प्लस आपको उसको कैसे इंट्राडे के चार्ट्स पे प्ले करना है उसका एक तरीका पता होना चाहिए, तभी आप इसको प्ले कर पाओगे। जैसे अगर इंट्राडे आप चार्ट देखते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का,
वेरी इजी वे, सिंपल वे इज टू बाय द पुलबैक ऑन द वीवैप. तो जब एक वीवैप आपका जो वीवैप जो चल रहा है उसके पास जब एक पुलबैक आता है आप उसको बाय कीजिए और एक सूटेबल आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए. तो इन दिस केस टुडे वी हैड गिवन अ बाय कॉल एट एग्जैक्ट 13,000 क्योंकि 13,000 पे ही वीवैप था एंड स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, हार्डली जस्ट बिलो द गैप हमने रखा था. तो 12,950 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट सिंपल था कि 13,100 का ये टारगेट था एंड बहुत ही स्लो तरीके से आज मार्केट चल रहा था बट नेवरदलेस ये डे हाई पे क्लोज हुआ. सो द एनालिसिस वाज करेक्ट, ट्रेड वाज करेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स आर शेयर्ड विद स्टूडेंट्स इन आवर टेलीग्राम ग्रुप लाइव एंड इन एडवांस. तो ये एक अच्छा एक तरीका होता है इसको ट्रेड करने का. नाउ अब आते हैं कि कल के बाजार के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कल का क्या व्यू है. नाउ मार्केट्स एज एक्सपेक्टेड हैव मूव्ड हायर एंड विद द हायर मूवमेंट कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो इंक्रीज क्योंकि इट विल नॉट बी इजी. व्हाई इट विल नॉट बी इजी? बिकॉज दिस मार्केट, बिकॉज इट्स अ ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड अप मूव, इट कैन टेंड टू कीप मूविंग हायर हायर हायर. ओके, इट कैन टेंड टू कीप मूविंग हायर एंड देर इज नो लिमिट. लिमिट तो है वैसे 13,230, 13,113 ये क्रिटिकल लेवल्स हैं बट दी विंडो इज यू नो क्वाइट ओपन टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑल्सो. सो इसीलिए जितना ये ऊपर चलते जाएगा ये शॉर्टर्स एज वेल एज लॉन्ग प्लेयर्स के लिए दोनों के लिए बहुत ही चैलेंज खड़ा करेगा. ओके, सो यहाँ तक इट वॉज इजी. सी टिल हियर इट इज इजी, टिल दिस 13,230 टिल दिस लेवल इट इज इजी बिकॉज ये इसका एग्जिस्टिंग एक जो ट्रेंड चैनल है ये यहाँ तक इसको लेके जाता है एंड ये टाइम साइकिल भी यहाँ तक लेके जाता है. लास्ट मैंने जो टाइम साइकिल आपको दिया था वो इस दिन था जिस दिन मार्केट ने बॉटम बनाया एंड उसके बाद से मार्केट इज ट्रेडिंग अप. नाउ 12,800 इज अ बेस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और 13,200 ये अब एक पोटेंशियल विंडो है. क्या मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक जाएगा? आई डोंट नो. ओके, बट वॉट आई नो इज कि जब तक मार्केट 12,800 इंटैक्ट है दिस मार्केट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट. ओके, नंबर एक बात. नंबर दो बात कि अगर एक पोटेंशियल शॉर्ट डेवलप करना है इस बाजार को तो इट विल रिवर्स यू नो समवेयर फ्रॉम जो एक लेवल मैंने आपको दिया था 13,113 और दिस 13,230. सो आई हैव टू ऑब्जेक्टिव लेवल्स इन फ्रंट ऑफ मी. सो लेवल्स हैं मेरे पास, लोकेशन है, और अब अगर किसी प्रकार की रिवर्सल कैंडल बनेगी, ओके, सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल हैपेंस, या फिर प्रीवियस डे बॉटम के नीचे की क्लोजिंग आई तभी मैं इसको शॉर्ट करूंगा. टिल देन द व्यू इज बाय ऑन डिप. दिस वाज आल्सो अ स्मॉल फ्लैट कंसोलिडेशन व्हिच हैज ब्रोकन, तो इसका भी टारगेट जो है आपको 13,230 के आसपास निकल के आ रहा है. ठीक है, सो ये एक अपडेटेड व्यू है. व्हाट इज द अपडेटेड व्यू? मेजर ट्रेंड इज अप अबाउट 12,800, द रेंज हैज इंक्रीज टुवर्ड्स 13,200 लेवल, प्लस कर दीजिए 30 पॉइंट्स. दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव लेवल्स वेयर मार्केट कैन रिवर्स. But we will take a short trade only and only if we get a price action based reversal or closing below previous day bottom. ठीक है, यही हम हमारी objectivity ने हमको इस पूरे बाजार से, चाहे MCX हो, Forex हो या NSE हो, हमको safe रखा है हमेशा के. Even in COVID also, all my live sessions are there on YouTube. आप 1st January से हर रोज का आप watch कर लीजिए, आपको एकदम accurate analysis ही मिलेगा. Why? Because of number one, we are disciplined in our analysis. We are disciplined, we are objective. Yes, we make predictions also, we anticipate also, but we put our money only when there is a confirmation. Okay, जैसे gold silver में हो रहा है, gold silver में कल भी मैंने मना किया था कि इसको buy मत करो. हाँ, जो लोग long term वाले हैं वो एक एक mini lots type accumulation कर सकते हैं, but जो short term players हैं वो मत बाय करिए. और आज देखिए गोल्ड अगेन -700 पॉइंट है, सिल्वर अगेन -1500 पॉइंट है, जबकि हमारा व्यू अभी भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है. बट द रिवर्सल इफ हैपेंस देन ओनली वी विल एंटर बुलिश, देन ओनली वी विल एंटर फॉर लॉन्ग ट्रेड. ओके, एनीवेज आ जाते हैं निफ्टी डिस्कशन पे. तो ये एक बड़ा पिक्चर है निफ्टी पे. वीकली मॉब लेवल जो मैंने आपको दिया था दोस्तों 12,800 का, 12,820 का, वहां से निफ्टी जो है कंफर्टेबली 200 पॉइंट ऊपर है. सो एवरी टाइम आई say that you know it will be very easy for you to trade market if you remember the weekly mob levels, kyunki wo ek aisa critical level hai ki market agar uske upar chal raha hai to jab tak wo targets achieve nahi karega most of the time wo uske upar hi chalega.
सो इट्स अ वेरी इजी अप्रोच टू ट्रेड मार्केट प्रोवाइडेड यू वॉच अवर लाइव सेशंस ऑन एवरीडे बेसिस एंड रिमेन अपडेटेड. तो अब आ जाते हैं कि कल के लेवल्स क्या रहेंगे. सो निफ्टी स्पॉट पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कि कल के क्या लेवल्स आ जाएंगे. नाउ सी देयर इज अ गैप ओवर हियर राइट एंड देयर आर टू टारगेट्स टू बी मेट ऑन द हायर साइड. तो कौन सा पहले फिल होगा, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. सो वीकली मॉब लेवल, सॉरी द मॉब लेवल फॉर टुमारो बेस्ड ऑन निफ्टी स्पॉट आई एम सेइंग इज 13,040 जो कि ये लास्ट का ब्रेकआउट लेवल है जो सुबह एक रेजिस्टेंस था. सी इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. अगर सुबह से किसी लेवल ने मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा था, अगर वो उसको ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा था, करेक्ट, बट इन सेकेंड हाफ इफ इट हैज गॉट ब्रोकन, इट हैज गॉट रीटेस्टेड एंड इट हैज कंटिन्यूड टू मेक अ हायर हाई हायर लोस पैटर्न, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है. इट कैन बी इधर ड्यू टू ऑप्शन एक्टिविटी, इट कैन बी इधर ड्यू टू एनीथिंग एल्स. वी आर नॉट कंसर्न विद द रीजन. We are not CBI, we do not want any reason. What we want is ki kahan pe kya hua hai, that's it. So here the flip has happened. So for tomorrow 13,040 is the mob level. Above this the first target will be 13,113, which is our magic level for tomorrow, and second target will be around 13,165. To ye do targets upar mein rahenge. Let if the market open gap up, which looks most likely, then tomorrow it can be a trend day again. And please do not short till the gap is not till the gap is holding. ठीक है, till the gap is holding इसको जो है आप short मत करिए. यानी कल जो मैंने advice दी थी वो कल भी valid होगा. But कल एक दूसरी भी चीज हो सकती है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. अच्छा, ये मॉब लेवल के नीचे अगर मार्केट चलता है देन आई विल शॉर्ट डेफिनेटली मैं उसको शॉर्ट करूंगा. एंड इन दिस केस मेरा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा मेरा 12,980, ये पहला टारगेट होगा. एंड सेकंड टारगेट कुड बी 12,933. सो पहले हम लेवल्स फाइनलाइज कर लेते हैं. सो दीज आर द टू लेवल्स ऑन द डाउन साइड, दीज आर टू लेवल्स ऑन द अप साइड. Scenario number one, gap up opening above today's high. Do not short till the gap is sustaining. Try to go long. Try to adopt some pullback approach and play for these two targets. Scenario number two, flat opening. So level to level kaam kariye. Scenario number three, gap down opening. But till the mob level, play by the levels. Scenario number four, gap down opening below the mob level. In that case, look to short on a retest at mob level and try to keep a stop loss of say 13,090. सारे scenarios में आपको बता चुका हूँ. एकदम unexpected scenario, gap down below today's bottom. अगर ऐसा होता है तो it will be a reversal, direct reversal. ठीक है, so पांच scenarios में क्या करना है सारी चीज बता चुका हूँ. अब इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं, that means you need some training. चलिए, so ये हो चुका है Nifty की analysis. अब very quickly let me switch towards bank nifty. See, bank nifty में आज बहुत ही शानदार चीज हुई, bank nifty में आज बहुत ही शानदार चीज हुई और कल तो और भी शानदार होने वाला है. ये मैं स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता चुका हूँ. See, yesterday मैंने क्या कहा था कि 29,850 this is the level that I'll be watching today. If there is a bullish momentum then logically ये fill होना ही चाहिए and that got achieved today. आज हमने क्या किया bank nifty में, see it was a gap up opening, correct. Initially it took resistance at previous day high. Came down but crossed. Now ये जो activity है, बस इसी ने समझा दिया था कि जब तक अब ये intact है, जब तक ये intact है तब तक ये ऊपर ही जाएगा, तब तक ये ऊपर ही जाएगा. Okay? Now here only, you know, around this breakout. इधर ही मैंने telegram group में students को update कर दिया था कि I am looking for a gap fill towards 29,750 type of a, you know, this level over here and long करना है. तो आप VWAP पे long कर लीजिए या आप किसी pullback पे long कर लीजिए over here. अब इसमें एक और interesting case हुआ था कि ये जो candle आई थी, जो selling candle आई थी, जब ये भी fail हो गया, again here also I told that this is a fake selling candle and जब तक ये break नहीं होता है, it will try to go up only and later on क्या होता है कि ये boom, ये ऊपर चला गया. So once again, perfect analysis with real-time guidance. अब आज की क्या scenario है? See, आज के chart के base पे, what is the scenario? Let me tell you first. एक बार हम daily chart पे आते हैं, क्योंकि सारा जो game है ना, ये daily chart पे होता है.
डेली चार्ट के हिसाब से, यू नो डेली चार्ट के हिसाब से वेयर आर वी, वी आर अंडरनीथ द रेजिस्टेंस ऑफ लास्ट ईयर, वी आर जस्ट अंडरनीथ और जस्ट एट द दिस लेवल ऑफ कोरोना ब्रेकडाउन, सो वी आर हियर। ठीक है, अब ये हम दो बार आ चुके हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन, राइट। तो अब कल क्या होगा दोस्तों, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि कल अगर बैंक निफ्टी 29 से ये जो डबल टॉप है आपका 29,800 के आसपास, यू नो कल बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर अगर चलेगा, तो जब तक इसके ऊपर है काइंडली डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट, ओके। Why? Because मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारा जो पोजिशनल टारगेट है बैंक निफ्टी में, दैट इज वॉट 28,400 का बेस प्राइस है, करेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर 30,750 इज माई फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट इज 31,750, यानी अभी भी 1,000 पॉइंट ये है जो कल मोस्ट लाइकली अचीव होगा। टुमारो मोस्ट लाइकली वी शुड सी 30,750 इफ वी क्रॉस दिस लेवल, ओके। ये डबल टॉप और मार्केट देखो इसको क्रॉस करेगा ही करेगा। अब क्रॉस करने के बाद अगर ये फेलियर में स्विच होता है, तुरंत सारे लॉन्ग ट्रेड काट देना, तुरंत सारे लॉन्ग ट्रेड काट देना, बिकॉज दैट विल बी अ बिग बिग रिवर्सल और स्ट्रेट अवे 28,400 का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। वीडियो को आप 10 बार देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी वाले पार्ट को, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मार्केट्स इजी है आज की डेट में। अगर ये डबल टॉप ब्रेकआउट फेलियर करता है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड कट ऑल योर लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको शॉर्ट करना है, तो फिर आप इंट्राडे चार्ट वॉच कीजिए। जब एक इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड रिवर्सल ऐसे डाउन ट्रेंड का एक क्रिएट हो जाए, तो आप पुलबैक्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, पुलबैक पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा इन दैट केस, जो भी डे हाई बना होगा दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 29,200, ये स्पेसिफिकली ये लेवल पे दे रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। एंड अगर 29,200 अगर टूटा, तो एटलीस्ट आपको 28,800 ये इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा, और अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो 28,400 आपको फ्राइडे तक देखने को मिल जाएगा। नाउ ये वाली जो सिनेरियो थी, ये सिनेरियो कब है, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो एग्जैक्टली यही सिक्वेंस में मार्केट चलेगा। टिल If it is above this, breakout, then do not dare to short, or else 30,750 तक आपको मार गया, at least 1,000 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेड कैसे करेंगे ये मैं आपको एक और बार अपडेट कर देता हूँ। सी इंट्राडे, इंट्राडे मॉब लेवल क्या होगा, सी कल का बैंक निफ्टी स्पॉट पे मॉब लेवल होगा 29,630, 29,630 ये स्पॉट के बेस पे बता रहा हूँ मैं। इसके ऊपर पहला टारगेट क्या होगा आपका, पहला टारगेट होगा 30,112, ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट क्या होगा 30,750, ये दो टारगेट है, ठीक है। मॉब लेवल के नीचे आपका डाउन ट्रेंड एक्टिवेट हो जाएगा, इन दैट केस पहला जो टारगेट मैं रखूंगा वो रखूंगा 29,200 and 28,800, ठीक है। तो ये हो गए कुछ लेवल्स। अब ट्रेड कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, स्पेशली इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग अबाउट से 29,800, डू नॉट डेयर टू शॉर्ट, लॉन्ग करिए, बिंदास लॉन्ग करिए, स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करिए। और अगर कल ये ट्रेंड डे में डेवलप हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई चांस है, आई वुड से वेरी वेरी हाई चांस, देन यू विल गेट ऑल टारगेट्स टूवर्ड्स 30,750, ठीक है। तो सिनेरियो नंबर वन वो था। सिनेरियो नंबर टू, कि अगर गैप अप करके ऊपर में फेल कर देता है, यानी ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, तो सबसे पहले लॉन्ग्स को कट कर दीजिए, देन ऑब्जर्व द मार्केट, ओके, सी हाउ इट इज इंटरैक्टिंग विद दिस मॉब लेवल, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक बार यू नो यहाँ आके वापस एक बार कोशिश करे, अगर ये वाली अटेम्प्ट फेल हो जाती है देन इट इज गॉन, ठीक है। तो ये फिर आप शॉर्ट साइड में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सो आई थिंक आई हैव told all the possible scenarios. Gap down opening होता है तो mob level के हिसाब से आप काम करिए, और gap up होता है तो specifically long की कोशिश कीजिए, ठीक है। So I think I have given a fair bit of detailed explanation as to how to trade bank Nifty and Nifty for tomorrow. So that's all from my side. I'm done with the Nifty and bank Nifty analysis. एक बार मैं MCX पे नजर डाल लेता हूँ, तो gold silver down है, not surprising at all.
गोल्ड सिल्वर को भी और भी 2% गोल्ड डाउन हो सकता है। कॉमेक्स पे जो है एक लेवल में देख रहा हूँ लगभग $1,777। थोड़ा सा मैं चार्ट शो कर देता हूँ कि क्या कहानी है गोल्ड सिल्वर में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ओके सी 2% और M6 पे गोल्ड जा सकता है, ठीक है, 2% और M6 पे गोल्ड जा सकता है समवेयर अराउंड 47,666। तो गोल्ड हैज टेक्निकली ब्रोकन, ओके, एंड इट इज ट्राइंग टू टेस्ट द 200 DMA व्हिच इज नियर 47,400 के आसपास। ओके नाउ दो चीजें हैं कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है बट हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ओके लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग कब करना है, नंबर वन या तो ये नीचे आ जाए 47,400-300 के पास आ जाए जहां से ये लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था। ओके या तो यहाँ करेंगे या फिर जो ब्रेकडाउन लेवल है जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है आज का हाई, इसके ऊपर इस रेड लाइन के ऊपर जब ये गोल्ड नीचे से जब भी रिवर्सल करके यहाँ आए दैट विल बी द मोमेंट टू गो लॉन्ग। ठीक है, तो या तो गोल्ड पहले नीचे आए वहां से रिवर्सल करे तब लॉन्ग करेंगे या फिर रेजिस्टेंस को काटे तब लॉन्ग करेंगे। बीच में दिमाग लगा के कोई मतलब नहीं है, जो वो कर रहा है उसको करने दो, डू नॉट डिस्टर्ब का टैग है। ठीक है, सो ये है गोल्ड सिल्वर पे अपडेट। सेम चीज सिल्वर पे भी बता देता हूँ कि अभी 59,440 चल रहा है, अगर ये फॉल कल कंटिन्यू होता है तो सिल्वर जो है लगभग 56,000 के आसपास देखने को मिल सकता है जहां पे मोस्ट लाइकली बॉटम होगा। डॉलर टर्म्स में गोल्ड जो है आई एम लुकिंग एट 1777 और MCX के टर्म में 47,400 के आसपास यहां मैं देख रहा हूं। यही कहीं जो है इट शुड बॉटम आउट, बट अगेन आई एम सेइंग कि बॉटम आउट होने दीजिए और फिर उसके बाद लॉन्ग कीजिए। हाँ, जो लोग अगर लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप मिनी लॉट्स एक 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 करके आप ऐसे हर एक अच्छी गिरावट पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग ऑन द हायर साइड। नेक्स्ट टू डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बॉटम एनी टाइम इन नेक्स्ट 48 आवर्स इन गोल्ड एंड सिल्वर, कल और परसों। ठीक है, सो ये अपडेट था गोल्ड और सिल्वर पे। नेचुरल गैस देखिए बुलिश है, कल मैंने आपको कह दिया था कि नेचुरल गैस जो है बुलिश हो चुका है, इट हैज मूव्ड आउट ऑफ द चैनल। सो इसमें जो है हम बाय ऑन डिप्स करेंगे बट मेरे ख्याल से कल का दिन रुक जाते हैं, उसके बाद करेंगे तो सही होगा। बाय बिकॉज इट इज स्टिल ट्रेडिंग इनसाइड दिस बिग ब्लैक कैंडल, राइट। सो दिस इज द मेन रेजिस्टेंस, एक बार ये क्लियर आउट कर ले ये एरिया, यू नो समथिंग लाइक दिस, देन वी विल स्टार्ट टू ट्रेड लॉन्ग साइड। टिल देन नो ट्रेड बट द बायस इज ऑन द हायर साइड। सपोज आपने लॉन्ग किया है तो आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए, यानी आप अब 195 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आपने लॉन्ग किया है तो। फ्रेश अगर करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद करना चाहिए। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल देखिए ऑल टारगेट्स डन, 3,300 का एक मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि 3,000 का बेस है और 3,300 के आसपास जो है क्रूड ऑयल जाना चाहिए, सो दैट टारगेट इज डन एंड वंस अगेन परफेक्ट एनालिसिस ऑन क्रूड ऑयल। सो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग आप कर लीजिए अगर लॉन्ग्स में आप हैं तो। ठीक है, थोड़ा और अपसाइड आ सकता है बट ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट 50 पॉइंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। अब फ्रेश व्यू बाद में देखेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या करना है। ठीक है, कॉपर एंड निकल वेरी बुलिश है, कल भी हमने इस पे अपडेट लिया था कि कॉपर एंड निकल दे आर वेरी बुलिश बट कोई ट्रेड प्लान एज सच मेरा नहीं है। सो दैट्स ऑल ऑन द MCX फ्रंट। फॉरेक्स की बात करेंगे तो आज GBP INR में कल का मेरा शॉर्ट था तो आज तो बहुत ही अमेजिंग इसमें गिरावट थी मॉर्निंग में, वहां पे गैप था, गैप पे सपोर्ट लेके बाउंस किया तो यहाँ पे थोड़ा कवर किया। अगेन वी गॉट वन मोर टाइम, वी गॉट अ चांस टू सेल नियर 98.90, अगेन सेम टाइम पे लगभग 3:30-4 बजे के आसपास आया था, अगेन इसको हैमर डाउन कर दिया क्लोजिंग तक, अगेन इसमें 20 पैसा था। तो ये GBP INR पे ही मेरा मोस्टली ये ट्रेड शॉर्ट चालू है। दूसरा है आपका EUR INR, वो भी बहुत अच्छी गिरावट हुई है, और JPY जैपनीज येन मैंने आपको बताया था JPY आज 50 पैसा नीचे खुला था, अमेजिंग 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 ट्रेड। सो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं सुपर सुपर डुपर प्रॉफिट्स, इनफैक्ट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि NSE MCX से ज़्यादा पैसा फॉरेक्स में बनता है बट वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड मार्केट है क्योंकि इंडिया में 24 आवर्स का मार्केट नहीं है तो हमको बहुत ही सोच समझ के और बहुत एक्सपीरियंस के साथ काम करना पड़ता है बिकॉज 24 आवर्स मार्केट नहीं है। जैसे इफ यू सी राइट नाउ GBP USD, ओके, तो इसमें शाम को प्री US मार्केट में ओके देर वॉज अ बिग ड्रॉप, यानी ये अगर मैं NSE के टर्म्स में कहूँ तो ये लगभग आपको 80 पैसे की गिरावट है, बट हमको कुछ फायदा नहीं हुआ,
जबकि हम शॉर्ट हैं फिर भी हमको फायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट बंद है। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड यू हैव टू कीप इन माइंड लॉट ऑफ पैरामीटर्स एंड देन ट्रेड। नेवरदलेस लेवल्स मैंने आपको जो बताए थे पिछले 7 दिनों से, एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट गिरा है ऑन फॉरेक्स फ्रंट। चलिए, सो आई थिंक लेट अस कम बैक टू स्टॉक्स। आई हैव टेकन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एमसीएक्स हो चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो चुका है, थोड़े बहुत स्टॉक्स को देख लेते हैं। So let me see what are the stocks that we are talking about today. And before I proceed, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब इज अर्निंग एनी थिंग फ्रॉम आवर चैनल एंड वी डू एवरी डे लाइव फॉर वन आवर। सो आई थिंक यूट्यूब विल बी वेरी एंग्री। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल दोज गाइज हु आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द ट्रेनिंग नेक्स्ट सैटरडे संडे, सॉरी दिस वीकेंड को ट्रेनिंग है सैटरडे संडे, व्हाट्सएप करके आ जाइए, जुड़ जाइए। चलिए लेट अस वेरी क्विकली लुक व्हाट आर दी स्टॉक्स। जिंदल स्टील, डॉक्टर रेड्डी, जिंदल स्टील एंड पावर। ओके, सो जिंदल स्टील एंड पावर इन्वर्टेड पिन बार है, बट ओके इन्वर्टेड पिन बार है, बट कुछ खास इसका इम्प्लीकेशन मुझे नहीं लगा। जब तक देखो 247 का लेवल है मेरे ख्याल से, ये सी ओवरबॉट बहुत है, ओवरबॉट बहुत है, इसीलिए ये यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। सिंपल सी लॉजिक है कि पिछले रेजिस्टेंस के पास ये खड़ा है, इसमें जो है आपको सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट लेगा। आई थिंक इट इज मेकिंग अ बेयर ट्रैप, ये ब्लास्ट करने वाला है। ओके, सो इट इज गोइंग ऑल द वे टूवर्ड्स 294 एंड ऑल दोज लेवल्स विल कम। 250 के ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, फिलहाल ये पानी पी रहा है। 227 का इसमें मेजर सपोर्ट है, 227 का इसमें मेजर सपोर्ट है। राइट नाउ ये यहाँ पे बस एक ब्रीदर ले रहा है, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट है आपका, सॉरी 227 का इस पर आपका सपोर्ट है। ओके, ये हो गया आपका JSW, यस ठीक है, 227 का मेजर सपोर्ट है। PVR, MCX में ले चुका हूँ, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड आप कर लीजिए। तो MCX, आर यू आस्किंग अबाउट MCX स्टॉक और MCX कमोडिटी? ओके, सी PVR दोस्तों, PVR जो है, देखो PVR से मेरी पर्सनल थोड़ी दुश्मनी है, बट नेवरदलेस PVR जो है ये आपको एक रेंज में चलेगा 1320 से लेके 1220, तो ये एक 100 पॉइंट के रेंज में है, 1320 से लेके 1220। ओके, बस यही मैं अपडेट दूंगा, ठीक है। पिछले 4-5 महीने से एक बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 1320 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, तो ये एक कंसोलिडेशन चल रहा है 3 हफ्ते का, 1320-1350 ये लेवल अगर क्रॉस कर देगा, जो कि लग रहा है, ओके जो कि लग रहा है कि कर देगा, then there will be a huge up move. Why there will be a huge up move? Because of this inverted head and shoulder, okay? और plus ये trend line resistance. तो ये एक बहुत ही बड़ी huge move create कर देगा 1500-1550 के लिए, 1500-1550-1600 भी जा सकता है, okay? So कैसे trade करेंगे आप? अगर आप long trade हो तो आपको 1220 का stop loss maintain करना है। एक बार इसको 1320 के ऊपर close होने दीजिए, 1320 के ऊपर close होता है तो उसको आप trail कर सकते हो, या बैठे रहो, you know, hold the longs and it will give a huge breakout towards 1550 and all those levels. ठीक है, so 1320-1350 ये यहाँ पे आपको watch करना है, PVR वहाँ पे watch करना है, MCX stock, okay, MCX, just a second. MCX, ओके देखिए MCX में तो आई थिंक सी मेजर सपोर्ट कहाँ है, लुक एट मंथली चार्ट, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है। वेयर इज द मेजर सपोर्ट? द मेजर सपोर्ट इज नियर 1600 मार्क। ओके, सी आई वुड से कि अगर आपने इसको लॉन्ग किया है तो आप बने रहिए लॉन्ग में, पर आपका स्टॉप लॉस काफी दूर है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आपको आपका स्टॉप लॉस है लगभग 1550 और स्टॉक है भी 1613 पे। सो देखो आप 1545 का आपका स्टॉप लॉस है। आई थिंक
it will bounce once again. Okay, I think it will not break 1545 and I think it will bounce at least ek bar bounce karega ye 1800 ke liye, but wahan pe fir aapko nikal jana chahiye. ठीक है, वहां पे एक बार आप निकल जाना, 1800 पे एक बार आप निकल जाना. ठीक है, बिकॉज सी दिस स्टॉक हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम मंथली रेजिस्टेंस बट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग सिंस लास्ट फोर मंथ्स. तो ये कुछ खास अच्छी बात भी नहीं है देखा जाए तो. ठीक है, सो 1550-1540 ये आपका सपोर्ट है. आई थिंक एक अपमूव इसमें आना चाहिए टुवर्ड्स 1800 के ऊपर. अगर ये क्लोज करता है तो आप ट्रेल कर सकते हैं, तो आप बने रहना. हो सकता है कि फिर ये मेजर ब्रेकआउट भी देते, बट 1800 के आसपास आपको ऑब्जर्व करना होगा. नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया. ठीक है, सी कैस्ट्रॉल इंडिया हैज ब्रोकन आउट, वेरी नाइस ब्रेकआउट हुआ है. तो इसमें कम से कम आप उम्मीद करिए 150 का आपको इसमें लेवल देखने को मिलेगा. ठीक है, कम से कम आपको 150 का लेवल देखने मिलेगा. बहुत ही अच्छी इसकी ब्रेकआउट हुई है एंड या 150 ऑन कैस्ट्रॉल इंडिया. इन्फोसिस, सी इन्फोसिस में मैंने आई थिंक 10 डेज पहले ही मैंने ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन किया था कि इन्फोसिस जो है ऊपर जाने वाला है एंड आई विल शेयर दैट ड्रॉइंग ऑल्सो विथ यू ऑन अ पोस्ट. सी वॉट वॉज द लॉजिक, बहुत ही सिंपल लॉजिक है. ये गैप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो गैप है आपका, ठीक है, यहाँ पे लुक एट दी वे इट यू नो ट्रेडेड इन दिस गैप. इस गैप को अगर हम देखते हैं तो इस गैप में इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस आता है यहाँ पे, ठीक है, एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, यानी ये ऑपरेटर भी सेलिंग है, वो सेलिंग ऑब्जॉर्व हो गई. ये तो कैंडल को आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा लगभग एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक और इनसाइड कैंडल एंड देन बूम, बस इसका रीटेस्ट जब आता है आपको बाय करना है. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ बुलिश था, बुलिश मूव इसमें जो है एक यहाँ तक हो चुका है. अब इमीडिएट टर्म में यू नो पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन इन्फोसिस टिल दिस गैप इज होल्डिंग. एक मूव ये मैंने कहा था ये हो चुका है दोस्त. अब जो है अगर पुल बैक आता है तो आई थिंक 1110 तक का पुल बैक इसमें आ सकता है. ठीक है, बट आई डाउट अगर आज का हाई अगर ब्रेक करेगा तो बूम 1220 पे चला जाएगा. आज का हाई अगर ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट अवे 1222 पे चला जाएगा. ये बुलिश काउंटर है, इसमें शॉर्ट वगैरह करना बहुत ही रिस्की है. ठीक है, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक फ्यू मोर स्टॉक्स. सुप्रीम इंडस्ट्रीज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ओके वेरी गुड. लुक एट द इन्फोसिस का यार वीकली चार्ट देखो ना, बुलिश है. ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे चलते हैं. एस यू पी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओके. एस आर टी एफ, मैट्रिमोनी किसकी शादी करवाना है? वैसे परसों से शादी का सीजन शुरू हो रहा है. 1721 कौन सा स्टॉक है? सुप्रीम इंडस्ट्रीज, क्या बात है. बने रहो, ये स्टॉक तो बेचना ही नहीं आप. इसको क्या आप बेचोगे? यू नो लॉट ऑफ अपसाइड इज कमिंग इन दिस स्टॉक. बने रहो सुप्रीम इंडस्ट्रीज. देखो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है अबव ऑल टाइम हाई. यू नो 1475 वाज द ऑल टाइम हाई लेवल. एटलीस्ट यू नो 2000 का इसमें मिनिमम टारगेट है. आपको आई थिंक ये 10 दिन में ही अचीव हो जाएगा जो हिसाब से भाग रहा है. 2000 का आपका मिनिमम इसमें टारगेट है. ठीक है, और मेजर सपोर्ट है आपका 1470 पे. आई थिंक ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए. ओके, आई डोंट नो कहाँ पे बाई किया है, क्या ऑब्जेक्टिव. अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको तो होल्ड करना चाहिए. ओके, 2000 का टारगेट है इसमें, 2000 का टारगेट है. ठीक है, HDFC Bank is running and HDFC Limited is falling, क्या गड़बड़ है? Okay, very good question. So HDFC को चेक करते हैं कि HDFC क्यों गिर रहा है भाई. देखो HDFC जो है ये कल ध्यान देना, कल इसका जो है एक बॉटम आउट हो सकता है. ओके, वाई? बिकॉज इट हैज कम टू द लेवल. ओके, इसमें मैंने एक क्या लेवल दिया था कि 2250 पे रिवर्सल
मैं देखना पसंद करूंगा क्योंकि दैट इज दी मार्च कैंडल हाई। फिलहाल ये क्या कर रहा है, फिलहाल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ पे सपोर्ट है 2200 के आसपास जो है सपोर्ट है। अब यहाँ पे जो है अगर ये रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो इसमें लॉन्ग कर देंगे हम, और जो भी बॉटम बना होगा दैट विल बी द स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा 2420, ठीक है। सो इसको आप वेट करिए, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनने दीजिए और फिर आप लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है एक लॉन्ग करेंगे एंड टारगेट विल बी 2420, जो भी बॉटम बना होगा दैट विल बी द स्टॉप लॉस। बट एज आई से ऑलवेज कि सपोर्ट का वेट करो और रिवर्सल होने दो, उसके बाद बाय करो। नहीं तो ऐसे तो हर लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, हर लेवल फिर टूटते जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर बहुत ही बड़ा इसमें व्यू चाहिए, मतलब बहुत ही एकदम लास्ट टू लास्ट व्हाट इज द सपोर्ट, ऐसा कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ था लगभग 2150, दिस आई थिंक इज अ रॉक सॉलिड लेवल, ओके, बेस्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ एनालिसिस दिस इज अ रॉक सॉलिड लेवल। सो 2150 इज द लास्ट टू लास्ट, बट आई बिलीव टुमारो इटसेल्फ यू नो इट विल स्टार्ट टू रिवर्स मोस्ट लाइकली, क्योंकि कल का ही एक कैंडल का स्पेस है पिचफॉर्क में। सो आई थिंक टुमारो इज द डे, सो लेट अस वॉच आउट। ये कल मेरे रडार पे है ये स्टॉक, लेट अस सी। एचडीएफसी बैंक, देखो एचडीएफसी बैंक तो बुलिश ही है यार। एचडीएफसी बैंक को जो स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक कर चुका है वो स्टॉक तो बुलिश ही रहने वाला है, इसमें ऑब्वियस ही बात है, ओके। सो एचडीएफसी बैंक मैंने कल भी बताया था कि अगर नीचे मिले तो बाय कर लेंगे, क्योंकि टारगेट्स हैं इसके 1450 के टारगेट्स हैं। एंड वंस अगेन एचडीएफसी बैंक अभी है, काफ़ी रनअप है, 1500 तक का स्कोप है, 1495 तक का स्कोप है। सो वेरी वेरी लाइकली दैट यू नो ऑल दीज टारगेट्स विल बी अचीव, बहुत बुलिश है। ये सब स्टॉक जो अभी ब्रेक हुए थे वो 1300 का ऑल टाइम हाई था, अभी फ्रेश ब्रेक कर रहा है, यानी 1300 इसका बेस बन गया। तो कम से कम यार यू नो अगर 10% 20% भी आप ऐड करते हो तो 260, यानी 1300 प्लस 260 करोगे तो 1560, यानी 1500 तो आपका आता ही है, 1500 तो आ ही जाएगा, विच इज वेयर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज। सो ये चीज है, एचडीएफसी को कल वॉच करेंगे, ओके। रिवर्सल अगर करता है तो बहुत ही सही एक ट्रेड मिल जाएगा, नहीं तो 2150 तक वो गिरने की स्कोप है। मेरा मानना है कि कल आई थिंक एक रिवर्सल उसमें बन जाएगा मोस्ट लाइकली। और एचडीएफसी बैंक का जहां तक का सवाल है, इसमें अभी भी बहुत अपसाइड बाकी है, इसको फेड मत करिए, यू नो ट्रेंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस दीज टू। विप्रो कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, विप्रो में कोई नया चेंज नहीं है। मैट्री मनी कल का वीडियो एक बार रेफर कर लीजिए। विप्रो जो है गैप फिलिंग के मूड में है, आई थिंक उसका ऊपर का जो गैप था 70 के आसपास वो जो है। विल एक्सिस बैंक टच 640 टुमारो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आता हूँ एक्सिस बैंक पे, मैं आता हूँ, ओके। सी मैट्रीमोनी जो है आई थिंक ये बुलिश रहेगा, ठीक है। ये स्टॉक चलेगा, वैसे भी यू नो लास्ट 4 months का जो एक चतुर्मास है दैट इज गेटिंग ओवर टुमारो एंड आफ्टर टुमारो, सो इट्स अ बुलिश सीजनैलिटी, तो एनी विच वेज फंडामेंटली भी ये बुलिश ही है। सो ये स्टॉक ऊपर जाएगा दोस्त, ओके। एक्सपेक्ट करिए कि कम से कम 1000 तक का इसमें आपको ट्रेड मिल सकता है। टेक्निकली हैज ब्रोकन आउट एंड जस्ट कंसोलिडेटिंग अंडरनीथ द रेजिस्टेंस, एक्सपेक्ट करिए 1000 तक का मूव इसमें आपको मिल सकता है, ओके। एक्सिस बैंक पे मैं आता हूँ क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है। सी एक्सिस बैंक में कल मैंने बताया था कि इसका जो 585 का जो बेस है दैट इज वेरी वेरी सॉलिड, और वहां से आप इसको उठा सकते हो बिंदास। आज इसने क्या किया, आज इसने गैप अप किया। सी जब ये गैप अप करता है तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सबको आना चाहिए। कोई भी चीज़ जब इस टाइप का एक अपने बॉटम वाले जोन से जब गैप अप करता है, और स्पेशली जब पिछले दिन वो एकदम डे लो पे क्लोज हुआ था, तो ये एक बहुत ही अच्छी रिवर्सल की निशानी होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी ये रिवर्सल की निशानी होती है, बट ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गैप अप के बाद ये वापस नीचे चला जाए, वापस इस तरीके से नीचे चला जाए, राइट। तो ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो एक सिंपल सा टेक्निक है कि उस दिन का जो वीवैप है उसको आप देखो, और एक दो कैंडल यू नो जैसे ये तो 30 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे let couple of candles trade above the VWAP. जब आपको दिखे कि कुछ कैंडल्स ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहे हैं VWAP के नीचे, तो वहां कहीं भी आप एक लॉन्ग कर लो, बाई डिफॉल्ट लॉन्ग कर लीजिए, और जो ओपनिंग कैंडल का बॉटम है ना उसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है।
ट्रस्ट मी, ये बैक टेस्ट करके देखो या थोड़ा इस पे आप खुद से मतलब आप ऑब्जर्व करो एक दो महीने ऐसे ऐसे सिचुएशंस में, उस दिन 99% ट्रेंड डे होता है, यानी सुबह से क्लोजिंग तक वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा और आपको उस दिन जबरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव ट्रेड है। क्यों? क्योंकि पिछले दिन इसने एकदम डे लो पे क्लोज कराया था और अगले दिन गैप अप हो गया, तो जो बेयर्स हैं, जो शॉर्टर्स हैं, वो इतना जल्दी हार नहीं मानते, उनको लगता है कि अरे ये वापस गिर जाएगा, बट इट इज काउंटर इंट्यूटिव फॉर देम, सो यू कैपिटलाइज ऑन देयर कॉम्प्लेसेंसी। चलिए कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी हो गई, आ जाते हैं अभी। ओके, सो 640 कल हिट करेगा, आई डोंट नो दोस्त, बट आई थिंक वेरी मच पॉसिबल है 640 हिट करना। नेक्स्ट है माइंडट्री। माइंडट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, एंड थैंक यू निशांत फॉर योर सुपर चैट कॉन्ट्रीब्यूशन, एवरी टाइम यू आर अ थरो प्रोफेशनल, लेट मी टेल यू दैट पब्लिकली। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब इसमें माइंडट्री पे, और मेरा ये आंसर है कि माइंडट्री इज बुलिश। देखिए माइंडट्री इज बुलिश है, क्यों बुलिश है? क्योंकि नंबर वन वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट किया है, नंबर टू ट्राइंगल ब्रेकआउट किया है, नंबर थ्री एक रिवर्स सेलिंग कैंडल है जस्ट एट द रेजिस्टेंस। तो ये आप बाय में, अगर आप हैं, अगर आप बाय में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आई होप बाय में है, ठीक है। एंड ये जब तक अपना ये 1350 ब्रेक नहीं करता है, स्टॉक इज डेफिनेटली अप, एंड बूम 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 इस तरीके से 1640 तक ये जाने की स्कोप रखता है आने वाले फ्यू डेज फ्यू सेशंस में, ठीक है। 1350 लॉन्ग ट्रेडर्स को ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, 1350 जो आपका 21 EMA है बस इतना काफ़ी है, ठीक है। वीकली चार्ट देखिए, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन था पिछले एक महीने से, ठीक है, अ ह्यूज सेलिंग कैंडल, did not even break past below that candle, right? और चार हफ्तों से consolidation, और आज ये मतलब इस वीक में ये breakout कर रहा है, इसका क्या मतलब है आप खुद समझ जाओ, सेलर्स की पूरी बैंड बच गई है, ठीक है, और बायर्स अब इसको they will take it for a ride like this. So 1640-1700 all these levels can come, 3050 is the stop loss. ठीक है, अगर शॉर्ट है तो मेरे ख्याल से जल्द निकल जाना चाहिए, ये हो गया। HDFC ले चुका हूँ, HDFC बैंक भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, HDFC भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए। TCS अगला क्वेरी है दोस्तों, TCS पे वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू यूज GAN स्क्वेयर। अरे दोस्त ये सब चक्कर में आप मत पड़िए, लर्न प्राइस एक्शन जो हम लोग सिखाते हैं दैट इज वॉट मैटर्स इन मार्केट। मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं रियल टाइम बेसिस पे कैसे सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस से चीज़ों को आप यू नो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट या ट्रेड कर सकते हैं। डू नॉट गो फॉर दिस GAN मैन एंड ऑल दोस थिंग। पहले देखो, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक आप एक बेसिक्स पढ़ते हो, राइट, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप PG या PhD वगैरह करते हो, राइट। सो मार्केट भी वैसा ही है, GAN एंड ऑल दिस थिंग्स ये तब यूज करना चाहिए जब आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है मार्केट में, व्हेन यू हैव learned all the basics and everything. Okay, Tata Consultancy again I have explained, kal ka hi view hai, bullish hai yaar, all time new all time high jane tak ye bullish hai, 2600 ka base price hai. Mutut Finance, okay, ye ek interesting counter hai kyunki ye bahut dodge kar raha hai, theek hai, it is dodging a lot. Pehle bullish tha, fir ab gold silver breakdown hua hai to aaj ye bearish ho gaya, वैसे वो naturally tha ki agar gold silver ब्रेकडाउन हुआ है तो ये गिरेगा। सो अब इसमें मैं फिलहाल कोई व्यू नहीं दूंगा, लास्ट टाइम मैंने क्या, मैंने बुलिश व्यू दिया था, व्हाट वाज माय व्यू कि ये बहुत ही अच्छे से इसको होल्ड कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तो समवेयर हियर मैंने कहा था कि अब इसको स्टॉप लॉस से आप ये स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हो, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वेरी रेयरली अवर स्टॉप लॉस इज हिट, सो दिस इज वन ऑफ द केस, ठीक है, तो अब इसमें कोई व्यू नहीं है। जब मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा एक रूल है, मैं उसमें तुरंत कोई व्यू नहीं देता, बिकॉज ये एक ट्रेडर का वीकनेस होता है कि अगर आपका जब लॉस होता है ना, एट दैट टाइम यू आर मोस्ट वल्नरेबल टू मेक अ मिस्टेक, तो हट जाओ, गिव इट सम टाइम और उसके बाद आप ये करो, इसको आप एक टाइम गैप लॉजिक भी बोल सकते हो, यू नो, व्हेन यू गिव योरसेल्फ टाइम टू हील देन यू टेक अगेन बेटर डिसीजन। तो फिलहाल इसमें कोई व्यू नहीं है,
एंड आई थिंक सम मोर डाउनसाइड्स कैन कम, ठीक है, सम मोर डाउनसाइड कैन कम, बट यस, जब ये गोल्ड सिल्वर वगैरह बॉटम हो जाएंगे देन आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर अप मूव, ठीक है. सो फिलहाल आई थिंक 1081 ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कल ही आ सकता है. 1081 दिस शुड बी हिट टुमारो इटसेल्फ. ओवरऑल यू नो जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक ऑल्सो ओवरऑल. एंड बूम नेक्स्ट ईयर हो सकता है, मे बी डिसम्बर में चलना शुरू करेगी. And because next 2 days are important for gold and silver to bottom, इसके लिए भी ये important हो जाएगा. तो इस पर आप कल भी वापस update पूछ लेना, हो सकता है कि कल ये bottom out भी हो जाए तो ये trade एक वापस से मिल जाएगा. चलिए बजाज फाइनेंस, देखो बजाज फाइनेंस bullish है, right? कल भी explain कर चुका हूँ, सेम क्वेरी है, ऑल टाइम हाई पे है बजाज फाइनेंस. सो bullish है, काफी बुलिश है अभी तो, इसमें देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस आल्सो. 4600 का एक मेजर सपोर्ट है बजाज फाइनेंस पे, 4600 का. आज पूरा दिन इसने कुछ नहीं किया है, इनसाइड डे बनाया है. कल अगर ये स्टॉक वापस से हाई क्रॉस करेगा तो एक्सपेक्ट कीजिए कम से कम डबल ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है, डबल ट्रिपल सेंचुरी एक्सपेक्ट कीजिए. इनसाइड बार का ये अगेन ब्रेकआउट कर देगा. सो वेरी ऑब्वियस है, देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन कर रहा है. लॉन्ग करो इसको, स्टॉप लॉस होगा 4750. दिस इज द स्टॉप लॉस टारगेट 5200, ठीक है. 4750 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 5200. मोस्ट लाइकली कल ही ये चीज होनी चाहिए. हाँ, अगर मार्केट कल रिवर्स करता है, एज इन सपोज सुबह मार्केट ही नेगेटिव खुलता है एंड ऑल, तब ये चीजें नहीं करनी चाहिए. थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना होगा. क्यों? क्योंकि बाजार जो है बहुत ज्यादा ऊपरी लेवल पे है, राइट. ओके दोस्तों, पता भी नहीं चला और देखते देखते 47 मिनट्स हो चुका है इनटू दिस सेशन, और उस हिसाब से जिस हिसाब से क्वेरी है उस हिसाब से लाइक का बटन दब नहीं रहा है, क्या तकलीफ है. CDSL, देखो CDSL बुलिश हूं मैं, रोज कहता हूं. CDSL आई थिंक 800 नहीं, ये कौन सा स्टॉक है यार, 5500 के रेंज में, राइट. 550 इज द टारगेट CDSL में. CDSL में अगर आप स्टॉप लॉस खोजना चाहते हो, देखो इन्वेस्टर टाइप का स्टॉक है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहे. 460 का इसका स्टॉप लॉस है, 460. एस्कॉर्ट्स पे अर्ली क्वेरी है, एस्कॉर्ट पे क्वेरी है मिस्टर राज. ओके सो एस्कॉर्ट में देखो मेरे हिसाब से दोस्त सारा अपसाइड टारगेट हो चुका है. एस्कॉर्ट पे आप ट्रेड करते हो, बहुत आपका फेवरेट स्टॉक है. एंड एस्कॉर्ट पे अगर आपने मेरी एनालिसिस फॉलो की है पिछले 9 महीने से, तो 650 के रेंज में मैंने कहा था कि ये स्टॉक 1900 जाएगा, और 14 अभी एक रिसेंटली लास्ट मंथ की बात है, इस टाइम मैंने कहा था कि एक लास्ट इसमें अपसाइड आएगी 1400 के आसपास, तो वो अपसाइड हो चुकी है. अब फिलहाल ये बहुत ही रिस्की जोन है तो मैं इस पर कोई लॉन्ग व्यू अभी नहीं दूंगा, ठीक है. मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए. ऊपर में तो अभी भी बहुत टारगेट्स हैं, बट आई थिंक फॉर नाउ ये स्टॉक से लॉन्ग एक बार निकल जाना चाहिए. सो इट्स अ वेरी नाइस एरिया, यहाँ से लॉन्ग पोजिशंस जो है आप एग्जिट कर दीजिए. ओके, ये हो सकता है डायमंड पैटर्न बनाने की कोशिश करे, टॉप बनाने की कोशिश करे. सो कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग्स को बुक करिए एंड देन हम वेट करेंगे अगली किसी बड़ी करेक्शन में और वापस से फिर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. बायोकॉन, देखो बायोकॉन भी बता चुका हूँ कि बुलिश है, मेरा फेवरेट काउंटर है इन दी फार्मा स्पेस. तो बायोकॉन भी देखिए 433 आज. बायोकॉन कल भी मैंने लिया था, राइट. कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें मैं बुलिश हूँ और अपने ऊपर के बहुत टारगेट्स पेंडिंग है. बायोकॉन में 506 का मेरा टारगेट है. सो यू नो 506 ये मेरा टारगेट है. कुछ चार्ट्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, जो बड़ी कॉमन सेंस के साथ आप कर सकते हो. मंथली चार्ट देखो, यहाँ पे बंदा ब्रेकआउट करता है, ठीक है. फिर ये कैंडल से देखो, हर महीने पिछले कैंडल के बॉटम को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट. अब ये लॉजिक जब आप देख रहे हो कि एक रेकरिंग फिनोमेनन है, तो यहाँ पे जब ये 400 के आसपास आया तो इस टाइम पे अगर आप एक छोटा एक लॉन्ग करोगे ये लॉजिक को यूज करिए, तो भी आपको जस्ट इमेजिन द रिस्क रिवॉर्ड. शेयर मार्केट में ना जो शाणा खिलाड़ी होता है, शाणा क्या, बॉम्बे में शाणा मतलब स्मार्ट, ठीक है. तो शेयर मार्केट में ना बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, यू नीड टू बी शाणा. अगर आप शाणे हैं ना और आप थोड़ा हार्डवर्क करते हो, चार्ट्स को देखते हो, स्कैन करते हो, यू नो दिमाग लगाते हो, तो ट्रस्ट में आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है. एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये तो अगेन
हायर साइड जाएगा 450 ऑल दिस टारगेट्स अगर। ओके इंडसइंड बैंक बुलिश है दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ इंडसइंड बैंक बुलिश है, 920 का इसमें आंकड़ा है। सो कल ये वापस शूट करेगा, डबल टॉप पे क्लोज किया है। सो 920 इज द टारगेट। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रिस्की काउंटर है, इसमें मैं परमा बेयर हूँ, ठीक है। तो यानी इसका क्या मतलब है कि आने वाले समय में ये स्टॉक की गिरावट जो है वापस से होगी टुवर्ड्स मे बी न्यू लो। इसमें 150 का मेरा टारगेट अभी भी पेंडिंग है, जो लोग एक साल से देख रहे हैं उनको याद होगा। सो यू नो नेक्स्ट साइकिल में ये वापस से हम शॉर्टिंग करेंगे। तो ये रिस्की काउंटर है, 920 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, वेरी वेरी लाइकली 920। तो प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर ट्रेडिंग और इफ़ यू हैव गॉन लॉन्ग जस्ट नाउ, ठीक है। सो क्या स्टॉप लॉस अभी देखिए, सपोज आप लॉन्ग हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 811, ठीक है। लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 811। ये स्टॉप लॉस कल के लिए वैलिड है, परसों से नया स्टॉप लॉस हो जाए। कल के लिए अगर आप लॉन्ग हैं तो आपका लास्ट टू लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 811। 811 के नीचे कोई भी लॉन्ग को नहीं रखना है, ठीक है। अपसाइड 920 इंटैक्ट है। रैलिस इंडिया ओके। सी 280 पे स्टॉक है, ओके, एंड इट हैज टेकन सपोर्ट एट अ गुड लेवल ऑफ मार्च कैंडल हाई, दैट मींस कि इसमें दम है, ओके। सी स्टॉक शुड गो टुवर्ड्स 290। आई थिंक ये स्टॉक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब इसने ये पिछली बार ब्रेकडाउन किया था 290 के आसपास, तभी मैंने कहा था कि ये स्टॉक से निकल जाओ क्योंकि इसका 200 DMA टेस्ट होगा जो कि लगभग 240 के आसपास था। यहाँ पे स्टॉक आता है, काफ़ी दिन स्पेंड करता है, एंड देन इट स्टार्टेड टू मूव अप, इट स्टार्टेड टू टेक सपोर्ट, एंड देन यहाँ से एक टेक ऑफ का मूड इसमें शुरू हो चुका है। तो यानी इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें ये होगा कि 290 यानी 300 तो डन है। इट इज़ मोस्ट लाइकली आई थिंक इट इज़ गोइंग ऑल द वे टूवर्ड्स यू नो ह्यूज। आई थिंक ये स्टॉक अगर आप कैश में ही आपने रखा होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इफ यू कैन होल्ड दिस स्टॉक फॉर यू नो लॉन्ग टर्म, तो आप मिलीनियर बन जाओगे। सही, दिस स्टॉक ऑन अ मंथली लॉग चार्ट 400 का टारगेट, ठीक है, 400 का टारगेट है, इमेजिन। तो अब आप देख लो कि कहाँ आप कैसे मैनेज करोगे। ह्यूज टारगेट्स ऑन रैलिस इंडिया। अब याद रखो कि ये जो अब बॉटम बना है ये आपका लास्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा, ये अब लास्ट स्टॉप लॉस है। एंड अगर आप बने रहेंगे कैश में, बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, मे बी 6 मंथ या 1 ईयर, तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा अपसाइड दे सकता है। एनीवेज डोंट गेट बायस्ड ऑन माई ओपिनियन, आप अपनी ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से आप काम कीजिए। मारुति क्या बात है, देखो आज था मंगलवार और मारुति कल मैंने आपको बताया था कि ये मेरा हाई कन्विक्शन पिक है। पहला टारगेट है 7300, दूसरा टारगेट है 8000, और आज जो है ये स्टॉक ने क्या कर दिया, कमाल कर दिया, राइट, क्या कर दिया, कमाल कर दिया। सो मारुति कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत ही शानदार स्लोप है, ओके, बहुत ही शानदार जो है स्लोप है इसका, एंड प्रीवियस बॉटम को इसने फ्लश करने की कोशिश की थी, ठीक है, जो कि नाकामयाब हो गया। सो ऑल द सेलर्स आर डाउन, दिस इज अ डबल टॉप विच इज़ अ पिंक कलर लॉलीपॉप, तो इसको यू नो टेकआउट करेगा तो इट विल बी अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, जिसका टारगेट क्या आएगा, कम से कम 8000। सो 7300 फर्स्ट टारगेट है, 8000 सेकेंड टारगेट है, ठीक है। सो सेम व्यू है, बुलिश ही है। कैश में जो लोग हैं मज़े करिए, क्योंकि FNO का कोई टेंशन नहीं है, एंड FNO वाले जो हैं आपको थोड़ा टेंशन के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा बिकॉज लेवरेज का जो है चक्कर है, ठीक है। सो वेरी वेरी बुलिश ऑन मारुति। ये हो गया आपका मारुति, ठीक है। What is the logic behind 150? अरे यार वो सब के लिए आपको मेरा मेंटरशिप करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपको पता नहीं है मैं एक्सप्लेन करूँगा तो कैसे आप समझ पाओगे, ठीक है। सी मारुति में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हालांकि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर, बट
नेवरदलेस एटलीस्ट यू नो मेरा 8,000 का टारगेट करने के लिए इतना काफ़ी है। चलिए ये हो गया मारुति। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाने से बिल्कुल भी मत शर्माइए। और लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्टॉक, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल और एक और स्टॉक लेना है पीडी लाइट। सी पीडी लाइट और एशियन पेंट्स पे कल मैं बता चुका हूँ कि दोनों जो है बुलिश हैं। एक आखिरी तेजी इनमें मैं देख रहा हूँ जिसमें से आई थिंक एशियन पेंट्स में तेजी आ चुकी है। पीडी लाइट आज मैंने चेक नहीं किया, लेट मी चेक पीडी लाइट ऑल्सो। फिलहाल भारतीय एयरटेल देखो बुलिश है राइट, एंड 465 के SLCs पे आप लॉन्ग कर सकते हो। कल भी बता चुका हूँ, दो दिन से करेक्ट कर रहा है एंड टुमारो लेट्स सी, आई थिंक वन मोर अपसाइड टुवर्ड्स 488 शुड कम टुमारो इटसेल्फ। 465 का इसमें सपोर्ट है एंड इमीडिएट अपसाइड जो है ये 495-500 तक का इसमें टारगेट है। मीडियम टर्म में अगर कोई गिरावट आती है, नो बड़ी गिरावट टाइप्स एज इन लाइक से 442 टाइप्स, तो अगेन वी विल बाय। ओके अगेन वी विल बाय बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग एक मूव इसमें जो है यू नो 527 से लेके 540 टाइप एक अप मूव जो है इसमें इस तरीके से इन मीडियम टर्म शुड कम। ठीक है, इमीजिएटली 465 से ज्यादा का एसएल नहीं लगाना है लॉन्ग ट्रेड पे, 465 इज इनफ। अगर इसको भागना होगा तो यहीं से ये रन अप कर जाएगा। सो शॉर्ट टर्म में 465, मीडियम टर्म में अगर कोई बड़ी गिरावट आती है 445 वगैरह तो वापस यहां हम एंटर करेंगे। सूटेबल स्टॉप लॉस उस टाइम देख लेंगे, टारगेट होगा 100 पॉइंट का। सो दैट्स ऑल ऑन योर भारती, सॉरी भारती, आई मिक्स्ड अप मारुति एंड भारती। वैसे भारती तो जेल में थी दो दिन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक क्या है, नेक्स्ट स्टॉक है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज। दोस्तों इससे पहले कि मैं पीडी लाइट पे पढ़ू, लेट मी जस्ट गिव यू अ रिमाइंडर दैट ट्रेनिंग इज ऑन दिस सैटरडे एंड संडे। सो एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड टू जॉइन टू रजिस्टर, यू कैन व्हाट्सएप एंड जॉइन एंड गेट एडेड इन अवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके सो क्या अपडेट है पीडी लाइट पे? ओके वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ऑपरेटर ने बता दिया है एग्जाम का पेपर इसमें भी लीक हो चुका है दोस्त, तो आई थिंक पीडी लाइट इज गोइंग 1700। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एफएनओ में हो तो आपको थोड़ा सा ये तकलीफ कर देगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ऑन गोइंग कंसोलिडेशन। लुक एट द वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वीकली चार्ट? रेजिस्टेंस है, कंसोलिडेशन है। गिरना होता तो पिछली बार की तरह गिर गया होता, क्योंकि इसको इंटरेस्ट है ठीक है इस लेवल को ब्रेक करने में, दैट इज व्हाई इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम। फ्लैग टाइप का पैटर्न है राइट, सो नेक्स्ट टारगेट है 1700। ओके नाउ डेली चार्ट पे क्या हुआ है, कंसोलिडेशन था, आज ब्रेकआउट हुआ है, बट पहले ब्रेकआउट को ऑपरेटर्स ने सेलिंग कर दी है, विच मीन्स दिस इज अ फेक सेलिंग। यानी इन शॉर्ट अब आपका स्टॉप लॉस क्या है, 1550-1560। होल्डिंग दिस द टारगेट इज 1700। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम करके ब्रेक करके एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ऑल राइट सो ये हो गया आपका पीटी लाइट पे। स्टॉप लॉस को ध्यान में रखो। देखो अभी मार्केट ऐसे फेज में आ चुका है कि मार्केट हो सकता है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बुलिश मूव्स दे दे, ठीक है, और ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जब बहुत ज्यादा बुलिश लगती है ना तो उसमें क्या होता है कि एक मूव शुरू होता है और सडनली सेल ऑफ एक्टिवेट हो जाता है मार्केट में एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फॉल। इसीलिए अगेन आई एम रिपीटिंग कि लॉन्ग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो मदहोश मत हो जाओ इस बाजार में, ठीक है, कीप योर सेंसेस ओपन और स्टॉप लॉस पे फोकस करो, टारगेट पे नहीं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो टारगेट तो बट नेचुरल सी बात है कि हिट हो जाएगा। सो मदहोश मत हो जाओ, खो मत जाओ इस बाजार के माया में एंड स्टॉप लॉस पे फोकस करो। चलो आई थिंक दैट्स ऑल, लेट अस वाइंड अप द सेशन। अच्छा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सारे स्टॉक्स बुलिश हैं तो निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। देखो निफ्टी तो जा सकता है बट इंडेक्स जो होते हैं हमेशा मैनेज्ड होते हैं, तो कुछ स्टॉक बढ़ते हैं कुछ घटते हैं, यू नो नेट नेट इफेक्ट होता है। लास्ट क्वेरी लेट मी सी, चोला फाइनेंस। आई थिंक मोस्ट ऑफ दी क्वेरीज जो है ये हमारे स्टूडेंट्स की होती है, क्योंकि अभी हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब लाइव जो सेशन है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कर दिया जाना चाहिए।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेरीज कम फ्रॉम स्टूडेंट ओनली, तो डेडिकेटेड लाइव सेशन फॉर स्टूडेंट। वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक चोलामंडलम, देखिए बहुत ही अल्ट्रा बुलिश स्टॉक है ये, तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होते क्योंकि एवरीथिंग इज लुकिंग टू बुलिश। ठीक है, ब्रेकआउट कर चुका है दोस्त एंड एक्सपेक्ट वेरी वेरी हाइयर टारगेट्स इन नेक्स्ट सिक्स मंथ। इमीजिएटली स्टॉक 320 का रॉक सॉलिड सपोर्ट है। सी कोविड कैंडल का हाई जो है ये 316-320 पे है, तो ये आपका सपोर्ट है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा। सो यू नो फ्रेश लॉन्ग मत करिए, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट जब आप देखेंगे ना आज से एक साल बाद, तो ये ऐसा दिखाई देगा। उसमें फिर ये करेक्शन जो हुई थी ना ये बहुत छोटी दिखाई देगी और स्टॉक आपका चल रहा होगा समवेयर नियर यू नो 700 टाइप्स आज से एक साल दो साल बाद। तो इसीलिए फिलहाल एकदम शॉर्ट टर्म में सपोर्ट क्या है, 320 का सपोर्ट है और व्यू तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। बट क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको मैं एक इसमें मेडिसिन देता हूँ, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको जिद है कि नहीं मैं इसको प्ले करूंगा एंड बहुत हाईर टारगेट्स के लिए प्ले करूंगा, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस क्या यूज करोगे, पिछले दिन के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। जब तक पिछले दिन का बॉटम इंटैक्ट है क्लोजिंग बेस पे आप रख सकते हो या यू नो जैसे भी रखना चाहो। लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बस, अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आप देखो। पिछले दिन का बॉटम जब तक इंटैक्ट है इसको आप ट्रेल कर सकते हो। अगर अच्छा पैसा मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, अगली बार जब इस जोन में वापस आएगा तो वापस से बाय कर लेना क्योंकि बड़ा ट्रेंड ऊपर है। ठीक है, सो आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ, ये व्यू अब चेंज नहीं होगा जब तक कि 320 के नीचे ये डेली वीकली एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग नहीं देता। HDFC बैंक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, HDFC बैंक बुलिश है, आई थिंक इट इज गोइंग 50-60 पॉइंट्स मोर हायर, एब्सोल्युटली बुलिश। एक स्टॉक ले लेता हूं मैं ICICI बैंक और एक स्टॉक है RBL। ठीक है, RBL में पहले लेता हूं, लेट मी टेक RBL, RBL बैंक। ओके, RBL बैंक, देखो RBL बैंक ने 200 DMA को पहली बार क्रॉस किया है इन लास्ट आई वुड से 9 months, 8 months टाइम, तो बुलिश है एज ऑफ नाउ। 250 का इसमें लेवल है, 250 का लेवल है एंड दैट्स ऑल, बुलिश है अभी। ठीक है, सो एक्सपेक्ट करिए 250 तक का आंकड़ा इसमें आपको ये दिखा देगा। ठीक है, बट अगेन ये मेरा परमा बेयर शॉर्ट है, इसमें अगेन मैं बिलो 100 का प्राइस इसमें मैं देख रहा हूँ। सो इसमें जो है सेकेंड राउंड में वापस से शॉर्टिंग वगैरह इसमें शुरू होगी। ठीक है, सो बी केयरफुल, 250 के आसपास अगर आपको दिखा तो फिर इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करिए। 250 से लेके 270 ये एक 20 पॉइंट के जोन में ये आ जाएगा, बट वहाँ पे फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका RBL और HDFC बैंक बता चुका हूँ। एक स्टॉक ले लेता हूँ मैं ICICI बैंक, उसके बाद सेशन को ख़त्म करेंगे, ICICI बैंक। ठीक है, ओके, सो ICICI बैंक में क्या स्टोरी है, अगेन आई हैव एक्सप्लेन यस्टरडे ऑल्सो कि ICICI बैंक देखिए बुलिश है। ये जो गैप है आपका लगभग 465 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस पे मैं ऑलरेडी परसों के दिन बाय कॉल दे चुका हूँ कि आप इसको बाय कर सकते हैं, 455 से 460 के रेंज में बाय कीजिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस ही 455 के नीचे हो जाएगा। टारगेट क्या है, टारगेट है 520 का, टारगेट क्या है, टारगेट है 520 का। अगर चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये इस तरीके से कुछ होगा कि लेट मी See, this is the story of ICICI Bank, ठीक है? यहाँ तक की इसकी स्कोप है, okay? So I'm expecting ICICI Bank to just complete this consolidation and then start a move towards minimum 520 like this, जो ये last breakdown area है यहाँ तक के लिए, ठीक है? Okay, next stock. ओके, लास्ट स्टॉक फॉर द डे, ओके, एक स्टॉक पेंडिंग था। देखो गाइज, आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन मत पूछा करो, एक ही आदमी 5-5 क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे काम चलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज है या आपको एकदम कट टू कट ट्रेड चाहिए तो आप सुपर चैट कर दिया करो,
SRTF लिख रहा हूँ मैं, STF, SRTF is what, street arm transport ना, SRT आप पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, let me take SRT, last stop for the day होगा SRT, where is SRT, I hope I'm taking the right stock, SRT, right, BPCL, I've already explained, BPCL buy call मैं दे चुका हूँ, और आई थिंक आज BPCL में प्रॉफिट भी हो चुका है. सो SRT क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी बुलिश, एंड कम से कम 150 पॉइंट्स कल ये और ऊपर जाना चाहिए, कल का कल ही जाना चाहिए, यहाँ पे जो एक गैप है इसको टेस्ट करना चाहिए. 1070 आपको ये दिखाएगा कल, 1070 आपको दिखाएगा, ठीक है. सो SRT डन. एक और स्टॉक ले लेता हूँ BPCL, अब फ्रेश स्टॉक्स दोस्तों मत पूछिए, लेट अस वाइंड अप दिस सेशन, बहुत लेट हो चुका है. ओके, सो आज BPCL में क्या हुआ, BPCL में मैं पिछले चार दिन से कह रहा हूँ कि इसको आप बाय कर सकते हैं, 365 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, टारगेट है 420 का. ओके, सो आई थिंक इट इज ऑलरेडी इन प्रॉफिट, आज ये लगभग 397 का हाई भी बना चुका है, एंड वंस अगेन इसमें रिज्यूम होगा ट्रेंड. सो इफ यू आर अ बायर इन BPCL, अब आप जो है अपने ट्रेल टू कॉस्ट कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज दी स्टॉप लॉस टूवर्ड्स से 375 और मे बी 370, एंड कल जो है 400 के ऊपर ये चला तो स्ट्रेट अवे जाएगा 425, ठीक है. सो ओवरऑल आई वॉज बुलिश इन BPCL ओवर हियर, मैंने आपको इस दिन बता भी दिया था, एंड राइट नाउ इट इज इन प्रॉफिट ऑल्सो. टुमारो वंस वी टेक आउट दी 400, इट विल शो टूवर्ड्स 420 इन ऑल दिस लेवल्स, ठीक है. सो ये हो गया आपका BPCL. And with this, let me wind up the session. So I think काफी लंबा session हो चुका है. आज छोटा session करने का plan था, but session जो है काफी बड़ा हो चुका है. So US market पूरी तरीके से पगला चुका है, and 3636 का आंकड़ा जो है ये भी test कर चुका है. So again ये वाली analysis correct हो चुकी है, ठीक है. चलिए guys, I think let me wind up. Wish you all the best for tomorrow's session. कल का दिन बहुत important होगा trading के लिए. All the best, and anybody who is interested to join the training, WhatsApp number दिया हुआ है, आप WhatsApp करके आप join कर सकते हैं, ठीक है. चलिए, take care, good night, जय माता.